हाय। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विद्यासागर चंदन केरे, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपसे क्लब फुट के बारे में बात करूँगा, जिसको CTV बोलते हैं और कई प्रदेशों में ग्रहण के पैर बोलते हैं। तो ये क्या है ग्रहण के पैर? पहली बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इसका और ग्रहण का कोई संबंध बिल्कुल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, कब आता है और इसका डायग्नोसिस कैसे रहेगा, इस विषय में मैं आपसे बातें करूँगा। जब डायग्नोसिस को लेकर आते हैं, तो जब मदर प्रेग्नेंट रहती है, पेट से रहती है, तो हर 3 महीने में 4 महीने में स्कैनिंग्स के लिए जाती है। तो काफ़ी हद तक टिफा स्कैन जब बेबी बड़ा हो जाता है, 3D स्कैन में नज़र आता है। कोई थोड़े थोड़े केसेस में जब पैर पीछे होते हैं, जो टिफा स्कैन में नहीं नज़र आता है, उनका पता इमिडिएटली डिलीवरी के बाद हमको पता चल जाता है। तो डिलीवरी के बाद पैर मुड़े हुए होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं और नीचे की तरफ होते हैं, जिससे कोई भी देख के पता लगा सकता है कि पैर में हाँ कोई प्रॉब्लम है। तो अगर इसके कारण क्या है वहाँ पर आए, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर केस में कोई ना कोई कारण हो। तो पहला चीज़ ये है, जब मदर प्रेग्नेंट हो, तो अगर पेट में पानी की कमी हो, या जुड़वे बच्चे हों, या फिर पारिवारिक अगर ये प्रॉब्लम है, तो आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और इसका डायग्नोसिस सिंपल है, टिफा स्कैन में प्रेगनेंसी के टाइम में पता चल जाता है और डिलीवरी के बाद तुरंत देख के पता चल जाता है। थोड़े थोड़े केसेस में जो निग्लेक्ट हो जाते हैं, जो पहले पहले ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, उनको शायद हम 1 साल या 1.5 साल में एक्सरेज लेकर देखना चाहते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और उसका हम लोग क्या सोल्यूशन कर सकते हैं।